कभी मेरी भी कोई गल मान लिया करो। सारी जिंदगी तेरी है मनिया ने पागा लिए, और मनवा ला जो मनवाने। मैं की मनवानिया ने, बस कुड़ी की गल सी, और तो कुछ नहीं। और सब ठीक हो जाएगा, क्यों फिक्रा च डुबी रहनी है हर वेले। हर मां जिदी धी जवान होवे इस तरह ही फिक्रा में डुबी होंगी। कुछ समझा करो जवेद बा, तो नाले मेहरबानी करके तुसी भी इस गल में किसी बन्ने लाने की कोशिश करो। तुसी ते हाले तिकर उस पुरानी गल के सिरे नूं फड़ी फिरते हो। उन्होंने घरों भी हो आए हो तुसी, भाभी ने तुहानूं साफ जवाब दे के टोर दिता। वो तो खाबा विच भी आके मेरी धी नूं कुटदी रहिंदी, तुसी पता नहीं कित्थे लगे हो। मैनू तो जिन्नी देर तक मेरा भरा नहीं ना जवाब दिंदा, मैं आस दी डोरी दा सिरा नहीं छड़ना। भरा तुहाडा भी पता नहीं केड़े शहर दियां सैरां करदा पिया। तो मेरी एक गल याद रखना, उन्हें भी आके इस डोरी का सिरा तुहाडे गुच्छा मुच्छा करके तुहाडे पैरां सुट देना जी, फिर गुंजलां खोलनियां बड़ियां औखियां हो जांदियां। ओए गुंजलां खोलण दा जज्बा सांभ के रख, नहीं पैंदियां गुंजलां ज़ैनब बीबी। ते नाले जिस दिन मैनू अब्बा जी कह देंगे डोरी छड़ दे, मैं छड़ देंगा। अब्बा जी तो हुण भी तुहानू कहण नू तैयार ने, पर वो चाहते ने कि तुसी आपे ही समझ जाओ। मैं मैनू तो उस दिन समझ आनी हूँ जिस दिन अब्बा जी मूँह कहणगे। टर कर चलिए पुत्र, मैं तैनू एक दिन पहले भी आखिया सी के दिला ते लगे हुए ताले छेती नहीं खुलते होंगे, ना आया करे थे बेटा। की फायदा बंद बोए नू टकरा मारन दा। दादा जी नहीं बेटा, मैं ते काकू मुड़ा दे सुल्तान मियां जी, जी। बैठ तशरीफ। शायद तुम पता हुए बाबा उमर दिन आया सी मेरे को। फिर मैं उन्हें जवाब दे दिता ताड़े कहने के मुताबिक। सरकार उस दिन दिन तरीक की गल विच ही रह गई। हाँ दिन तारीख तो कोई गल नहीं, अज गल मुक जाती है। मुक ही जाए तो चंगे सरकार। रकम चाहिए होगी? नहीं सरकार। नहीं नहीं करो खर्च, खर्च करो सरकार। दिन तारीख ऐसा करने सुल्तान मियां अगला बुद्ध रख लेने हैं। वो चमनी कुरी शहर जाना पड़ेगा ना जी।
हारला पुत ठीक है जी। मुबारक हो वे सरकार। आदि मुबारक हो। बुद्ध काम शुद्ध। बुद्ध काम शुद्ध। हेलो काकू, पैसे अंदर अलमारी रख दे, सुल्तान मियां लोड होएगी ते ले लेंगे। क्यों सुल्तान मियां? हाँ जी, हाँ 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 जी, ले लेंगे सरकार, ले लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ए तुहाडी रकम है जी। मोहसिन साहब अपने इस दोस्त नूं दसो जे इन्हें हेरा फेरी ना की होंगी तो अज इस तरह साढ़े सामने शर्मिंदा तो ना खलोता होंगे। ईमानदारी दियां कई सिफतों चो एक सिफत भी है कि इंसान नूं वकार अदा कर दी, सिर उच्चा करके अखां च अखां पा के गल करन दा हौसला देंदी है। जी जी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे तुसी, बस बस इन्हां कोलों गलती हो गई है जी। सर सर तुसी मैनूं माफ कर दिता ना? मैं तो शायद माफ कर देंदा पर इस फर्म दा कानून इजाजत नहीं देंदा। पर सर मैं तो पैसे भी जमा करा दिते ने। पैसे कमाल है भी काका, पैसे तो साढ़े सन, इस फर्म के सन पैसे है, धन तो पुलिस के हवाले किया जा सकता सी। मोहसिन साहब साड़ी फर्म दे नहायत ईमानदार वर्कर ने, इन्हां दे कहण ते ऐसा नहीं किया गया, तानू सिर्फ नौकरी तो बर्खास्त किया गया। जी सर बर्खास्त है? सिर्फ बर्खास्त, तुहाडे खिलाफ ते गबन का मुकदमा हो सकता सी। मोहसिन साहब लै जाओ प्लीज, इन्हें साढ़े इतमाद में बड़ा धोखा दिता। प्लीज सर, सर प्लीज सर, प्लीज सर। अमजद साहब आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ अमजद। मैं कहो मुलजम शिराज ने जड़ी पार्टी फड़न कराची गई सी वो वापस आई कि नहीं? नहीं सर, पार्टी तो नहीं आई, इतला आई होगी। की इतला? सर मुलजम फड़ा गया। माल मसरू का भी बरामद होया कि नहीं? सर ये तो उन्होंने आंते ही पता लगेगा। पार्टी तो मजबूत है, ऐ मैं नहीं आन लगी कराची वापस। जी सर। राजा आया कि नहीं? सर मैं देख के दसना। देख जे आया तो कल अंदर। वेख लवो मां, सोच समझ के कोई कदम पटना, अगे थोड़े खज्जल नहीं होया ते मैं कल्ली ने ते नहीं खज्जल किया, सारे रले हुए सो, इको ही रट सी ताडी, शहर जाना शहर जाना। आए हाय मां, किधर दी गल किधर लै गए हो, ते फिर हुन ही सोच लो हुन की करना। जे मैनू नहीं पता की करना है, मैं की दसा, मेरी ते माती मारी गई है, मेरी ते सोचा पता नहीं कित्थे चलिया गई, मेरा तो मगज ही खाली हो गया। एक मैंने समझ नहीं आती कि ताड़ा प्यो कितने टुर गया। वैसे अब्बा जी ने तो हद ही कर छड़ी है, इस तरह भी कोई रुस के जाता है भला करो, कोई अता पता ही नहीं कि कितने टुर गए ने। मेरा तो पुत्र भी कला है, उन्होंने तो कोई हौसला देने वाला भी नहीं गा, ताड़े प्यो ने भी तो कमाल ही कर दी, एडा गुस्सा तो एडा रोसा तो मैं कभी किसी का नहीं वेख्या। तो फिर मैंने दसो मैं की करा, जे नहीं तू की करना है, गल भी ना करा तेरे नाल, कली बुड़ बुड़ करी जावा, तेनू भी बड़ा चा सी शहर आन दा। अच्छा जे मैं नदान सा तुसी तो समझदार सो ना, मेरी ते अकल ते पर्दे पै गए सन, पर्दे ते सारिआं दीआं मतां ते पै गए ने मां, असली च सानी शहर च वसना नहीं चाहिआ, हीर दुनिया वसदी पई है ना। बिल्कुल वसदी है, असी ते उस कमबख्त शराज दीआं गल्लां च ऐसे फसे कि सानू कुछ होर नज़र ही नहीं आया। मां मैं तुहानू किन्नी दफा आख्या कि उहदा नाम मेरे सामने ना लिया करो, बहुत ही कोई जालम इंसान से जिन्ने साढ़े पोले पांदा ऐटा फायदा चुकिया, ते मेरे प्राणू दोस्ती दे चक्कर च फसा के पुठे पासे लाया, ते रकम आप लुट के लाई गया।
लोन किन्ना बेटा? साढ़े तीन मन। साढ़े तीन मन? मैं चमड़े का कारोबार करना बेटा, लगता है तू मेरी खल बेचेगा। नहीं जनाब, ये हो सकता शेख साहब कभी? नहीं नहीं, तू बेचेगा? बेचेगा बेटा तू? नहीं नहीं, तुसी हुक्म करो होर की रहा वा। पहले लून के जख्म ते पार लैन दे, फिर बाद च भी लिख लांगे। अच्छा पैसे कितने बेटा? पैसे ने जनाब थोड़े 210 रुपये। 210 रुपये ये कौन देगा? लोग तुसी देने ने शेख साहब, और किने देने ने? लख रुपया खल्ला दा मैं 20,000 करके देता, ते तेरे 210 रुपये 50-50 करके दे दिया ना। शेख साहब मेरे केड़े इन्ने ज्यादा पैसे ने? नहीं नहीं बेटा, वो इस तरह मिलने पैसे भाई। अस्सलाम वालेकुम ताया जी। कौन आया जी? मैं ताडा मोहसन ताया जी। बेटा जी मैं ते आज तक किसी का एहसान ही नहीं लिया, तुसी केड़े मोहसन हो? मैं ताडा मोहसन ताया जी, तुहाडे भरा सादिक दा पुत्तर। ते फिर तू इस तरह कहो तू सादिक दा पुत्तर है? मेरा दोस्त है जी अमजद। अच्छा अच्छा, बैठो 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 अमजद साहब, बैठो बैठो। बेटा कुछ खाओ पियोगे? एक मिनट बेटा, बेटा जी, खान पीन की गल शुरू हो गई, तुसी चलो। बड़ी मेहरबानी जी, इस खान पीन च मेरे 210 ना खा जाना, बड़ी मेहरबानी। तेरा नहीं कुछ खादा जाता, चलो मेरा बेटा। अच्छा। चलो हाँ बेटा, तुसी कुछ खाओ पियोगे या खा पी के आए हो? नहीं ताया जी, कोई लोड नहीं। शुक्र है। अच्छा हुण मेरे लिए की हुक्म है बेटा? ताया जी मेरे दोस्त ने अमजद साहब। बड़ा बीबा जहा काका लगता चंगा। जी ए बहुत शरीफ आदमी और नहायत अच्छा इंसान है जी। ए तू हुण मेरी गल नूं वड्डिया कर रहे हैं। अच्छा हुण फिर मेरे लिए की हुक्म है बेटा? ताया जी एक दरख्वास्त है कि इन्हां नूं अपने कोल रख लो। किथे? क्यों? काहदे लई? काम कार ली ताया जी, ये तुहाडा हिसाब किताब कर दिया करनगे। बेटा हुण मेरा हिसाब किताब किसी ने की करना, हुण ते फरिश्ते करनगे। नहीं ताया जी, कारोबारी हिसाब किताब तुसी फिलहाल इन्हां नूं 2000 रुपया तनखा दे दिया करना। तुसी आप ही तो कहा सी ना कि बंदा चाहिदा है। मुश्किल है बेटा। की ताया जी? मैं पैसे नहीं इन्ने दे सकता बेटा। अच्छा ते तुसी किन्ने दे सकते? 1,999 रुपये 99 पैसे दे सकता बेटा मैं। ठीक है जी, आइयो ठीक। ले मोहसन बेटा, मैं इस काके नू तेरी जमानत ते रख रहा। ये काका कोई चंद ना चढ़ा दे? क्यों बेटा, कोई चंद चढ़ाए ना? नहीं जी। नहीं नहीं, तू कोई चंद चढ़ाएगा? चढ़ाएगा बेटा? मोहसिन ओ नहीं ताया जी, कोई चंद नहीं चढ़ेगा, मैं जामना। अच्छा तेरी जमानत देते मैं बच्चे रख लेना। अच्छा इन काम समझा दे बेटा। चल एक गल हो रहा बेटा जी, के मैं तनखा कठी नहीं दे सकता, महीने च दो बारी देंगा, तू आखिरी तरीक च कठी कर ले। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। है? खुश हो ना? भाई खुश क्यों ना हो, तनखावा जो मिल गई है, तनखावा मिल गई है ना। हुण बेटा जी कुछ खाओ पियो जी। हांडी की पकानी है पहले, आए तो दसो, हांडी दा आर कर लव। नहीं मैं की दसा की पकाना है, हुण ते पैसा भी पल्ले नहीं रह गया।
लुट के लै गया सानू। अच्छा शराज बचिया, तेरा पेड़ा ही करो कुछ। अस्सलाम वालेकुम, आ जाओ आ जाओ मोहसन साहब, आ जाओ आ जाओ मोहसन साहब, चलने कुड़िए तो अंदर। आओ आओ मोहसन साहब, आ जाओ आओ। अस्सलाम वालेकुम आंजी, आओ तशरीफ रखो, बैठो बैठो बैठो। हाले तेनू समझ नहीं आई? किस गल दी मां जी, हाले भी गल्ला पुछन दी कसर हैगी? एक तेनू लुट के लै गए, दूजे तू नाल ले फिरना है। कुछ ते ख्याल कर, कुछ ते सोच अमजद। मां जी अमजद, अमजद यार मां जी ठीक कहंदे ने, तेरी दोस्ती दे नाते जिहड़ा जख्म इन्हां नूं लगा है वो हौली हौली भरेगा। वेखे वेखे हुण जी, वो भी ऐसी तरह दी गल्ला करदा सी खुश करन वालियां। लै जा इत्थे ना, लै के करने ठगन कारी च, सब चोर ने लुटेरे ने, लुट के लै गया सानू, कित्थे टुर गए। होश करो मां जी, हर बंदा उस तरह का नहीं होता, नहीं होता हर बंदा उस तरह का। मोहसन साहब ते उंज भी बड़े चंगे बंदे ने, ते नाले एक गल मेरी जरा ध्यान नाल सुनो, अज मैनू दफ्तरों कर दिता गया जी, ते मोहसन साहब ने मैं नवी थां ते नौकरी लैके दी है। अज जै ना आंदे मां जी, ते तुहाडा पुत्र भी किसी हवालात च होंदा, ते तुसी कलम कले बेसहारा इस घर च बैठे होंदे, हाले भी समझे हो मां जी के नहीं? मैनू कुछ समझ नहीं आती, हाले मैनू की हो गया, मैं ते चली हो गई हूं, पागल हो गई हूं। मां जी हौसला करो, मां जी जिंदगी च इस तो मुश्किल वेले भी आते ने, तुसी ते सिर्फ एक बंदे दा एतबार गवाया है। दुनिया ते कदम कदम ते बेएतबारी दीआं ठोकरां लगदीआं रहिंदीआं ने, मेरा एक मशवरा मनो मां जी, वापस पिंड चले जाओ। तुसी पिंड चले जाइए, मेरे छोटा नहीं पिंड जान, मैं भी ते अपना एतबार पिंड आले च आपी। गल सुन सुन के मैं अपनी नजरों चो आप बेतबारी हो गई हाँ, क्यों सोचते रहेंगे हर वेले तुसी मेरे रिश्ते दे बारे च, कदी अब्बा जी के दुआले तो कदी दादा जी के पिछे, किन्ना कु भार है मेरा, दसो तो सही। भार की गल नहीं पुत्र, धियां दे मुकद्दर जुड़े ही दूसरे घर होंदे ने, ते माँ प्यो की इज्जत इहदे विच ही होंदी है कि धियां वेले सिर अपने घर उपर जाण। किन्ना कु वेला कुंज गया है, की हो गया है, मैं कोई मिट्टी की पुतली तो नहीं है जी, एक बार डिगागी तो टुट जागी। मैं जूदी जागती कुड़ी हाँ, मेरे च हौसला जीन का मुकाबला कर उड़ीकन का। चंगा भैना, जिमें तुहाडी मर्जी उवें करो, मैनू कोई जरूरत नहीं विच बोलन की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मां जी की हो रहा? की करना चाहिए सानू निके वीर? कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए ना। करते ने करते ने, तेरा ब्याह कर देने। लो मां जी पहले इन्हों भुगताओ। मां जी ए वड्डी आपा दी वारी कदों आई? चलो हो गए ने शुरू चुंजा लड़ान। एक गल ते दसो मां जी, मेरे को पूछो निके वीर साहब, जड़ी गल तुहानू इंतजार है। चलो तुसी दस दिओ। फिलहाल तो जवाब है ओ नो। ओ यस, दादा जी गए सन, उन्होंने साफ ना कर दी है। चलो उन्होंने साफ ना नू उन्होंने साफ हाँ च बदल देंगे, हाले कुछ रुझे हाँ फैक्ट्री के काम विच, सारा कुबेर मिलने दे सब कुछ ठीक हो जाएगा। रमन सिंह तने कान खोद ली है सोने की है, सीधी तरह हमारे साथ चलने की तैयारी कर। किस बात की तैयारी? आपकी खिदमत में मैं अर्ज पहले ही कर चुका कि मुंशी होने से पिंड माते नहीं जाएगा, नाम जो भी बताया आपने। रमुंशी बाज आजा, बाज आ जाते हैं अपनी हरकतों से, नहीं तो मैं अकेले चली जाऊंगी। हाँ ईमानदारी की बात तो यही है कि मैं भी यही चाहना कि इस घर तो कदों आपका मनहूस साया जाता है,
कद तक जान की तैयारी है आपकी? रह मुंशी, पछताएगा पछताएगा तय। याद रखना मुंशी, एक दिन मजनू की तरह ढूंढेगा मन्ने, दिन में तेरे खाक होगी, गलमा तेरा फटा होगा, गली के बच्चे तने पत्थर मारेंगे। हाँ ये क्या नाम बताया आपने सलामत बीबी? रचलट पावर खाने जमा करा दूंगी तने। मार दिया इस दर्द ने मने मुंशी, वरना मजा ते तने ऐसा चखाऊं कि तय क्या सारा सारा गांव मारे गांव में आड़ बसे। आपकी ताकत तो मैं पुराना वाकफ सरकार, इसीलिए तो आप तो हमेशा दूर रहने की कोशिश कीती है। पता है मन्नू, एटम के जर्रात में बनी हुई हो आप। आए आए फिटे मुन्ना गोटिया का कुंता नहीं जाएगी, कुंता चंबड़ की बलाए नागहानी की तरह। वालेकुम सलाम। तो बेटा राशिद नहीं आया हाले, कली बैठी है तू? उनते काफी देर दी कली बैठी है, सवेरे ना बाजी शायदा आ गई सी, काफी देर बैठी हुई सी मेरे को। अच्छा अच्छा, आलन दे आज से ला तू, पूछ लांगा मैं आपे। अब्बा जी ए तुसी लाटू किनू आ गया? लाटू मैं लाटू उस राशिद दे बच्चे नू क्या? यानी मेरे सरताज नू? सर ताज टोपी कदे नसीब नहीं हुई उन्हें तो सरताज। अब्बा जी बुरा ना मना, मेरे सामने मेरे सरताज नू अगो तो लाटू ना आखना। की क्या करा बेटा, बटेरा कह दिया करा, वो वैसे भी वो फुर फुर करता फिरता, कभी इधर कभी इधर। नहीं अब्बा जी तुसी उन्हों का नाम लिया करो, राशिद साहब आ गया करो। बेहतर बेटा जी, अगे तो राशिद साहब ही क्या करा जी। राशिद साहब किड़ा चंगा नाम है, तुसी एवं अगे तो राशिद साहब ही क्या करा जी। राशिद साहब किड़ा चंगा नाम है, तुसी एवं हर वेले लाटू लाटू आखते रहते। बेटा ओए मैं ते एक बारी लाटू क्या सी, तो तू उस वेले दी 130 बारी लाटू लाटू कह चुकी है। नहीं अब्बा जी। जी बेटा जी। एक गल करनी सी तुहाडे नाल, गल इस मुंडे दे बारे च, स्याणे लगदे हो सुल्तानिया, ये बच्चा माशाल्लाह नेक बच्चा है, पढ़िया लिखिया है, फर्मा बरदार बच्चा है। इस बच्चे दे बारे च जो भी गल है उहदा जवाब मैं दे बैठा, बल्कि हुण ते मेरा चौधरी जवाब दे बैठा। मिलन ते असी चौधरी नूं आए सां, मुलाकात तुहाडे नाल हो गई। किथे तुहाडा चौधरी? चौधरी साहब ते शहर गए ने, पता नहीं कदों। शहर ही गए ने ना, आउणगे ते सही ना? हाँ आउणगे ते जरूर। चलो जदों आ जाणगे ते फिर मिल लांगे, साडी हाजरी लुआ देनी है सुल्तानी ने। लुआ दें अंदर। चलो बेटा। जमील तू रजन और व्याह करके बड़ा ही चंगा कीता है। बस ये तो बाजी दी मेहरबानी है, और मन गया तो ब्याह हो गया। बाजी अपड़ गए होंगे उस मुल्क च? बिल्कुल अपड़ गए होंगे उस मुल्क च। स्वीडन बहुत अच्छा मुल्क है, और उस मुल्क से पहुंच के उन्होंने समर नु किसी अस्पताल से भी दाखिल कराता होगा। अल्लाह करे कि समर तो ठीक हो के आए, राष्ट्र ने जान लड़ा दी थी ओदी खातिर, किसी चीज की परवाह नहीं की थी। समर उतो इंशाल्लाह ठीक हो के ही आएगा। चौधरी साहब ने तो जरा परवाह नहीं सी अपने बच्चे दी, मैं तो यहो जहा बाप अज तक नहीं वेख्या। मैनू तो नफसियाती मरीज लगते हैं,
नहीं तो कोई बाप इना संग दिल नहीं हो सकता। तेरा की मतलब है हुन ओदे लई भी किसे डॉक्टर नूं लभीए? ओ डॉक्टर दी कोई जरूरत नहीं, ओदा इलाज आपे ही हो जाएगा। जदों उहने पिंडों आके घर खाली वेख्या ते ओ झटका काफी रहेगा उहनूं ठीक करन। मैनूं ते नहीं यकीन कि ओ कदे ठीक हो सकन। राजता ने बड़े हौसले नाल गुजारी है जिंदगी उस शख्स नाल। ओ शख्स कदे ठीक नहीं हो सकता, ओदे दिमाग च ऐसा खरनास है जिहदा निकलना बहुत मुश्किल है। अपनी जेब रख चौधरी, तेन पता होना चाहिए मेरा घर है। चौधरी साहब के हर घर न अपना घर समझ लेंगे। बहुत गल्ला करन दी लोड़ नहीं, सीधी तरह दस कित्थे तेरी भैन। मेरे हाल देख चौधरी, मैं दसना। चल तू दस दे। तेरी बीवी इसलिए स्वीडन है जी, ते उन्हें उत्थे दे एक अस्पताल दे विच अपने बीमार बच्चे नूं दाखिल करा दे। ओए मेरी इज्जत दे बगैर नहीं जा सकती। ओ चले गए ने चौधरी साहब अपने बच्चे नूं लेके, जिदी तुहानूं कोई परवाह नहीं सी। उन्हें ते बड़ा साथ देने की कोशिश की सी भाई साहब, पर तुसी ना उहदी परवाह कीती ते ना अपने मासूम पुत्र दी। हुण कल्ले रहण दा मजा भी चखो। पागल हो गया पुत्र, तेनू अंदाजा ही नहीं असि किन्ना इतबार कर लिता से उहदे ते, किन्ना अपना बना लिया से उहनू। मां जी ना जिक्र करया करो उस धोखेबाज का बार बार। जे सच पूछे ना पुत्र मोहसन, ते मेरा इतबार उठ गया हर बंदे तो। मेरा जी नहीं करता किसी भी चंगे काम की तारीफ करन नूं। एक खौफ जिहा आन लग पैंदा है, सहम जिहा पै जांदा है कि कितने भी ऐवें कोई शरारत वर्गा धोखेबाज ना होवे। ओ मां जी असल विच अमजद चार, मां जी नूं गल करन दिया करो, रोकिया ना करो। इन्हां नूं कढ़न दिओ अपने दिल का गुबार, पार हौला होण दिओ इन्हां दा। मां जी तुसी भी हाले तारीफ वाले पासे ना हो, मैं तो कोई तारीफ वाला काम भी नहीं किया। काम तो रब की जात कर दी है, सब दे बंदे तो एवं वसीला बन जाते हैं बस। तेनू अंदाजा ही नहीं असि किन्ना इतबार कर लिता से उहदे। ना जिक्र करा करो उस धोखेबाज का बार बार, मेरे दिल में बड़ी तकलीफ होंगी। आराम नाल रमजे यार, आराम नाल। मैं पहले भी कहा कि मां जी नूं गल करन दिया कर, हौली हौली इन्हां दे दिल का गुबार छट जाएगा तो आप ही ठीक हो जाएंगे, भुल जाएंगे उन्हें भी। और कोई भुलन वाली जिंस है? किस तरह भुल जाइए उस लुटेरे को? मां जी वेला बड़े बड़े जख्म ठीक कर देता है, अल्लाह ताला तुहानू बहुत ज्यादा देगा। मैं पहले भी अर्ज किया सी कि वापस पिंड चले जाओ तुसी, हौली हौली ये सब कुछ तुहाडे ख्याल चो मैं हो जाएगा। ठीक है ना यार तो, पर मेरा ख्याल है कि देर भी होंगी है, चल थाने चलिए। थानेदार ने कहा कि आके पता करते रहना, हो सकता है उस शराज के बच्चे का कोई पता चल गया हो। चल चल के देखिए। हाँ हाँ चलो। चला पुत्र, नहीं मैं किसी से इतबार नहीं। दसो दसो माँ जी की कहना चाहते सो, फिक्र ना करो, हर बंदा वह जहा नहीं होंगे। इत्थे खुदा दा खौफ करन वाले लोग भी इत्थे मौजूद ने, साडे इर्द गिर्द साडे कोल। फिर पुत्र मेरे पुत्र दा ख्याल रखी। इस गल दा तुसी फिक्र ना करो मां जी, अमजद मेरा निक्का भरा है, पर तुसी पिंड जाण वाली गल ते गौर जरूर कर लेना। चलिए चल। अच्छा मां जी। अपनी फाइल। थैंक यू बढ़िया पा। खाली थैंक यू क्या नहीं काम चलना, पहले दस मेरे स्कूल दा की बने है। हाँ स्कूल भाई, कमरे दी तामीर शुरू है, उन ते कम छत तक पड़ गया। वाह ऐ तू मेनू खुशखबरी सुनाई। एल बस हुन तू उस
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਣਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਵੱਡੀ ਆਪਾ ਐ ਤੂੰ ਸੋਚ ਲੈ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਆਪਾ ਕਿਹਾ ਆਪਾ ਸਿਰਫ ਆਪਾ ਠੀਕ ਆਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਓਏ ਉਹ ਦਾਦਾ ਜੀ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚੌਧਰੀ ਕਮਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੰਮ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਫੌਰਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਦੋਂ ਝਾੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਦਿਲੇ ਥਾਈ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਪਿੰਡ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸੁਲਤਾਨ ਚਾਚਾ ਕਹਿ ਲੈ ਚਾਚਾ ਕਹਿ ਲੈ ਆਹਾ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚਾਚਾ ਸੁਲਤਾਨ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਸੁਲਤਾਨ ਨਿਰਾ ਸੁਲਤਾਨ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੀਤੇ ਆ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਸਾਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟੀਏ ਇਹ ਝੂਠੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਨਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ੈਵਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੁਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਹ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੋੜਵੰਦ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਆਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਰ ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਿਆਂ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੀ ਓਏ ਇਸ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਕਮ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਰਮਦ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਬਾਕੀ ਫੇਰ ਸੇ ਚਲ ਉੱਠ ਕੰਮ ਸ਼ਾਨੂੰ ਵੇੜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੁੱਧ ਹੈ ਓ ਹਾਂ ਦਿਲ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਿਆ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਕਮਾਲ ਜੀ ਦਾ ਓ ਯਾਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤੂੰ ਝੁੱਪੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਨਾ ਲਈਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਿਲ ਪੱਥਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਭਾਗਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵਿਹਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਵਿਹਲ ਅੱਬਾ ਜੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਗਏ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਨਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਓਏ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਯਾਰ ਪਰ ਵੇਖੇ ਨਾ ਕੀ ਨਾ ਲਈਦਾ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਕਮਰ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਉਹ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਅਸਲਮ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਰਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਹੁਣ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅੱਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਕਮਰ ਨੇ ਅਸਲਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਓਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕੀ ਨਾ ਲਈਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਕਮਰ ਬੜਾ ਕੁੰਨਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖੇ ਨਾ ਕਰੀਮੋ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਆ ਅੱਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਲਾ ਬਈ ਉਹ ਕੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਉਹ ਕਮਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਣਦੇ ਯਾਰ ਜਾਣਦੇ ਲੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਅਸਲ ਗੱਲ ਅੱਛਾ
शाह बे दिल नहीं मनदा कमाल जी ना ताड़ा दिल मन्ने ना मन्ने पर उन्हां दा दिल मनदा है वो सुल्तान दी अपनी ख्वाहिश भी ये होई है प्रेमो दिल ते करता है पाज जावा थलन जिथे कोई रुकावट ही नहीं सी उच्चिया उच्चिया कंधा नहीं सन बस निकिया निकिया चुकिया सन ते दूर ताई खिलरी हुई चांदी वर्गी रेत मैं मेरी जिंदगी पर देख कमाई इस तरह बर्बाद नहीं हो सकती नहीं हो सकती हौसला रख लगी लभ देगी लभ जाएगी कितों लभ जाएगी लग जाएगी ए संगली ते टूट सकती है पर सुल्तान दे बुने जाल नु तोड़ना बहुत मुश्किल है क्रीमो बीबी जिस दिन डोरी खिंच ली तड़फ के डिग पेंगे पर हाली खोल ले हाँ मार ले दो चार दिहाड़े होर दुड़ंगे मार ले अल्लाह अब्बा जी हाँ दिन भी अल्लाह ताला ने की चीज बनाई है रोशनी भी पहली किरण पूरी दुनिया नु अपनी लपेट च लै जांदी एक नूर जिहा खिलर जांदा है बेटा हर शै विच पूरियां निशानियां तलका मारदियां दिन दा अपना हुस्न है रात दी अपनी छां है रात दे तारे भी ते ओदे चानन दियां किरणां ने जी तुसी बिल्कुल ठीक कह रहे बेटा रात पर्दा है कई शामा नु लुको लैंदी है कई राते जाग पैते ने कई सुनता गुआ जांदियां ने नवियां आउण वालियां जिंदगियां जमीन ते उपर आउंदियां ने कई चेहरे लुक छुप जाते हैं अल्लाह मुंशी जी खैर ते है निजात च फड़े किस मुकाबले जैसा लेना उरे तो तशरीफ ले आओ आप हेलो हो गए उरे क्या नाम बताया आपने ओ, मेरा नाम कमाल मैं बाबे उमर दीन दा पोते लो आपका नाम तो रग रग में बसया आया मेरे कमाल एक कहां मुलाकात हुई थी आपके साथ ओ जी मुलाकात तो हुंदी रहंदी है तुसी ए दसो के है मेजा क्यों अज फड़या है जी मैं नाम बतावा तो कुछ कहोगे मैनू नहीं मैं कुछ नहीं कहूंगा
दस दो ठीक है बिल्कुल ठीक है क्या नाम बताया सी आपने अपना कमाल हाँ कमाल हाँ तो कमाल साहब मैं यही अर्ज कर रहा था कि चोर डाकू आ जाते डरान धमकाउन तो मैंने सोचा कि बंदे के पास असला होना जरूरी है इसे वास्ते तैयार किया मैं तो बहुत चंगी गल की थी मुझे अच्छा की तन लोहू आप जाओ अच्छा क्या होया मुंशी जी काकू शाह कोटिया वो पहले क्यों नहीं बताया कि आप कोटिया साहब हैं लंघ आओ आ जाओ मुंशी जी है कि फड़े आया जी ये असला है आपने जो मानत जमा करवाई है उसकी हिफाजत करना भी तो जरूरी है मुंशी जी तुसी भी कमाल चीज हो परे सुटो इनू तुसी ये फड़ के ते लोगों को खाम खशूबे च पा रहे हो नाले फड़ के चौकीदार शुरू करता जी ये की गल है बात आपने बड़ी दुरुस्त फरमाई है मेरी गल सुनो जिस तरह तुसी आज तो पहले दुकान ते बैठ के कर दे सो दुकानदारी तुसी हुण भी दुकान ते बैठ के सिर्फ दुकानदारी करो समझ आई गल कित्थे टुर पए हुण दुकानदारी ना करा की बकवास कर रहे हो सुल्तान साहब किस तरह होया पता नहीं लग रहा सरकार सारा पिंड छान मारे तुसी सारा पिंड छान दे रहे तुसी तो सारा जमाना छाने होया सी उस कुड़ी का चेहरा ही नहीं पड़ सके सरकार वो कल्ली एनी जरूरत नहीं कर सकती जी वो कल्ली एडी जरूरत नहीं कर सकती ते दूजा कौन है नाल कौन हो सकता है कौन हो सकता है तुसी नहीं जानते सुल्तान साहब मैं जानना काकू किथे काकू ते इत्थे ही है जी उते सारा दिन मेरे नाल फिरदा रहे जी मैं पूछना है इसलिए किथे है इत्थे ही हुणे सर सरकार ऐसे भसूड़ी फिर ठीक है आओ मिलना आओ मिलना सलाम अलैकुम सरकार ओ किथे फिरदा रहना तू हवेली ओ तेरे को हवेली टिक के नहीं बैठा सरकार मैं ते ओ अच्छा अच्छा इस गल का किसी होर नूं ते पता नहीं चलिया सरकार अजे ते यह गल इत्थे ही ठीक है आओ जी सुल्तान साहब आओ मेरे नाल थाने शादा शादा बाजी की गल है शमो थोड़ी घबराई क्यों है इधर आ इधर करीमो करो है भी की कहन दी तू ठीक कहनी पई और रात ही करो है भी इस गल का तेन किस तरह पता लगा है? मैं सवेरे हवेली गई सा हले मैं बुआ इच्छी सा उधर चाचा सुल्तान उन्हें घबराया है इधर उधर लग रहा थी मैं परे होके लुक गई थी उन्होंने गलां सुन ली सुन यह गल तू किसी होर ना तो नहीं की नहीं बाजी मैं तो बस तेरे नाल की यह गल तू किसी होर ना करनी भी नहीं करती बाजी मुसबानी नहीं कंड पले बन लै इस गल का किसी होर नू पता नहीं लगना चाहिए तू मेरे नाल आ पता करिए चल चल जिंदा रहोगे खात्मा साईं लोका तेरा ये जोड़ा तो बहुत ही पुराना हो गया जी सरकार नवा ही बनवाना पड़ेगा अच्छा कल याद कराएंगे किसी मुंडे नु कहवांगे शहर जाए तो तेरे लिए दो जोड़ियां का कपड़ा लाए बात बेहतर सरकार साईं लोका जरा अपना फैक्ट्री का चक्कर ना ला लीए है ना मुंडिया जरा हरा शेरी दे आईए बिस्मिल्ला सरकार
साईं जी। ओए खैर ए ना घबराया क्यों है? ओ साईं जी जवेद ते बाकी साथियों नु पुलिस गिरफ्तार करके लाई है साईं जी। अजी क्यों? ओ साईं जी चौधरी कमर ते सुल्तान ने पर्चा कराता है उन्हां दे खिलाफ। कादा पर्चा कराता है? अगवा दा साईं जी अगवा दा। पर किदा अगवा? ओ साईं जी सुल्तान दी भतीजी करीमो दा। कोई नहीं होता तेरे बेटे असी आप चलने हैं तेरे नाल था ओ साईं जी। अल्लाह जिते साना हो सब। घबराता क्यों है? रे मारे होते हुए तने कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। हाँ कच्चा चबा जाऊंगी औरे को। ओ हो होड़ी बोल मुंशी की जोरू। रे अपने घर में बोल रही हूँ, कोई बाजार में तो शोर नहीं मचा रही। रे तू तो बहुत ही थोड़ दिला है। जनानिया की गुत पीछे मत हुंदी है, ये सियाने ठीक बता गए। रे मुंशी होश की बातें कर होश की। भला सियाने सारा दिन जनानियों के गुत्तों के पीछे भागते रहे थे? ये तो मैनू बहुत अच्छी तरह मालूम है कि गल्ला करके मैं आप तो नहीं जीत सकता। आप तो गोल्ड मेडल लेके बैठी हो। रे मुंशी ए गोल्ड मेडल का होवे? आप मेहरबानी फरमा के अंदर नु चलो, इसके हिस्से मैं आपको बाद में बताऊंगा। जाओ। कभी मुझे अच्छी बात ना बताना। आए हाय 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 आपकी समझ में नहीं आ रही, चुप करके अंदर जाओ। क्यों आए हो? कहते हैं ना मुंशी जी सारा काम खराब हो गया है। ओहो क्या नाम बताया आपने? ओहो मुंशी जी मां फिर किसे ले पूछ लेना, मैं कह रहा कि सारा काम खराब हो गया है। हुई तो मैं पूछ रहा क्या खराबी जही वाकया हुई है? पुलिस पुलिस जवेद ते उहदे साथियों नूं पड़ के लै गई है ते ओ ए ए सुल्तान ते कमर ने ना उन्होंने खिलाफ पर्चा कटा देता है। तो कोई बात नहीं, मैनू करो थाने जाके दूध का दूध तो पानी का पानी करके रख दूंगा उन्ना के सामने। सबक बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा जहा। ठीक है मुंशी जी जिवें तुहाडी सलाह। आ जाओ चलो। ना मेरी कल्ले की सलाह क्यों? आपकी सलाह मेरे नाल नहीं मुंशी जी, मेरी सलाह तो तुहाडे नाल ही है। तो फिर आप यहीं ठहरो, मैं जरा ये असला जहा अंदर रखा। ठीक है जवेद साहब, गल इस तरह से नहीं मुकनी। फिर मैं की अर्ज कर सकता थानेदार साहब, सूरत हाल तो आनू दस देती है। हैना ने भी सूरत हाल ही दसी। अस्सलाम वालेकुम भी भलो लोगो। साईं जी तुसी चंगा है जी, भी इतनी आ गया ये ही ना मुंडे नूं सबक पढ़ाने वाला जी। आराम नाल चौधरी साहब बैठो। साईं जी तू बैठ बच्चे वालिया, असी तो इन्होंने मुलजमान के साथी हाँ, सानू खलोता ही रहन दे ते नाले सवाल ही खलोता ही चंगा लगता है। थानेदार साहब ये बच्चे तुहानू अगवा करने ले लगे ने? साईं जी इन्हां दे चेहरे उपर तो कुछ नहीं लिखा होया, पर तेरे तजर्बे की अख ने तो कोई तहरीर पढ़ी होगी। पर्चा लिखाण वाले ने साईं जी इन्हां नूं नामजद किया, तफ्तीश तो करनी पड़ेगी। हक सच नाल करी जो भी करना है।
यही इन्हों मुंडिया का साथी है जी, यही इन्हों ट्रेंड करता इन्हें फड़ के बिठाओ इतने। तसली चौधरी साहब तसली। तसली के मायने नहीं जानते थानेदार साहब, ये लोग तो हुक्म देन गिजे हुए ने, छीतियां दे मारे हुए लोग, दूजे इंसानों नू जानवर समझण वाले, पर मुगिया दौर इन्हां दा, हुण ते दौर वतन की खिदमत करन वाले इन्हां जवानां दा, इन्हां नू की पता होवे थानेदार साहब किन्हां लोगों के खिलाफ परचा कटाया है इन्होंने। बाबा बता बदा ना जा, तू भी अपने आप चरो भलिया लोका जी। थानेदार साहब की करना जी इन्हों बच्चों का, जब तक कुड़ी नहीं मिल जाती इन्हों इतें रहना पड़ेगा। चंगा फिर असं भी इत ही हाँ इन्हों के नाल ही। जी साहब यही इन्हों का साथी है और यही इन्हों को जुर्म करवाता है। थानेदार साहब चौधरी साहब न चुप करा। चलो साहब हौसला करो। सलाम अलैकुम जी, क्या नाम बताया सारे ने। सलाम अलैकुम जी। आ जाओ। मैं कुड़ी कौन है ते तुसी दोवे कौन हो भाई। नाम बताओ अपना। जी मैं काकू शाह कोटिया जी, शाह कोटिया। मेरे बच्चे अगे ना ही चाचा। चुप कर भैया तू, पीछे हो जा। मेरी भतीजी जी क्रीमो। थानेदार साहब इनको मेरा नाम ना लवे, मेरा कुछ नहीं लगता। क्रीमो मेरी बच्ची। मियां चुप कर, तू पीछे हो गए। हाँ बेटा। थानेदार साहब मैं तुहाडे नाल कल्यां गल करना चाहनी हाँ, पर इस तो पहले मैं दसदा कि मैं किसी ने अगवा नहीं किया, सारे लोग बेगुनाह ने। किसी ने अगवा नहीं किया? नहीं थानेदार साहब। अच्छा भाई तुसी लोग जा सकते हो। साईं जी कानूनी तकाजा सी जिहड़ा पूरा करना पैंदा है, तकलीफ हुई तुहानूं मैं माफी चाहना। कोई गल नहीं पागा लिया, कोई गल नहीं, आओ भी पड़े हो। आओ साईं जी बाहर खलोने ना पुत्तर। आओ शाबाश। आ चलो आ जाओ पड़े हो, आ जाओ। हाँ बेटा हूँ दस। थानेदार साहब इन्हों भी बाहर कर लो। चौधरी साहब तुसी बाहर चलो जा, ते मैं तू ही। ये साड़ी ताई नहीं, मेरा ख्याल है मैं अपने रिवायती लहजे च गुफ्तगु करा तो फिर तुहानू पता लगेगा कि मैं की कह रहा। तुहानू कहा मैं कि बाहर जाओ, ले जाना नू बाहर। ठीक है, असी अंदर कमरे च बैठे जा नहीं रहे। हाँ बेटा हूं दस। जी तुसी चलो, राशि जांदा थोड़े ना पड़िया लोग
कट्ठे ही चलांगे। साईं जी किधर बैठना चाहिए? चंगे भले खलोते हो तो ठीक है यार। अशित साढ़े घर से पता नहीं चलिया इस पसूड़ी का? नहीं हाले ताई तो खैर ही सी। खैर ही पड़े लोगों, कोई फिक्र वाली गल नहीं, खैर है। पर साईं जी एक गल की समझ नहीं आई कि काको ते मुंशी करीमू कितों लैके आए ने। वो सुनियो लग जाता पता उन्हें। वैसे वैसे मेरा ख्याल है कि एक काकी चौधरी कमर ते सुल्तान तो खौफजदा होके किधरे लुकी हुई सी। सरकार जो कुछ सच सी ना वह असी तुहानू दस दिता है। चुप कर बेटी चुप कर, हुण तेरे ते कोई जुल्म नहीं करेगा, हुण तो अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार सकेगी। वाह जी वाह, क्या अच्छी बात करी है आपने। क्या नाम बताया आपने? माफ करना सरकार, इनू आदत है एवें नाम पूछन दी। अच्छा अच्छा, जा भाई चौधरी कमर नूं ते सुल्तान नूं बुला के लिया। अच्छा मैं उन्हों ते नाल नहीं जाना। हौसला कर बेटा हौसला कर, कौन भेजन डिया उन्होंने? ये बच्ची तो हुण मेरे घर ही रहेगी मेरी धी बन के, इहदे आउण के नाल रौनक जिही आ गई है घर में। जी बच्ची ने मैनूं सारी कहानी सुनाती है चौधरी साहब। वो की कहानी सुनाती है? इहदा ते मेरा अज विआह होण वाला सी। होश नाल गल करो चौधरी साहब, ये थाना है हवेली नहीं तुहाडी जिथे बैठ के तुसीं मासूम कुड़ियां दे सौदे करदे हो। सरकार 3 लाख उंजी पिया है अलमारी च जिहदे नाल इहदा सौदा होना सी। मुखरम सुल्तान ठीक कहिंदा सी तेरे बारे च, तू आस्तीन दा सप्प है। चौधरी साहब मैं तुहानूं पहले भी कहा है कि थाना है हवेली नहीं तुहाडी। ठीक है की कहना जी हुण सानू? तुहानूं इह कहना है कि तुसीं जाओ घर, सुल्तान इत्थे रहेगा, इसको कुछ पुछ किछ करनी है। ते कुड़ी मुंशी नूरदीन ते काको दी सुपरदारी च रहे, वेली च नहीं रहना चाहती। वैसे एक गल होर भी सुन लो कन खोल के, मजबूरों नूं तंग करना छड़ दिओ, सीधी जिंदगी गुजारन दी आदत पाओ। सुल्तान साहब नूं अंदर बिठाओ, करदे इहनां नाल गल। आओ जी सुल्तान साहब। सरकार साडे लई की हुकम है, असीं जाइए? हाँ हाँ तुसीं भी जाओ कर, ते बेटी दा ख्याल रखना। चला उठ, चल उठ मेरी भैण उठ। सरकार आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी, आपने ये सारा काम, एक क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम जी, मेरा नाम मुंशी नूरदीन है। मेरा नाम पता है मैंने मुंशी साहब पता है। जाओ बेटी का ख्याल रखना। बड़ी बड़ी मेहरबानी सरकार। खैर है ना? आहो साईं जी हूं तो बल्कि बिल्कुल ही खैर हो गई। ये करीमो जी है ना वो गई है मुंशी नूरदीन के नाल, धी बना के उन्होंने घर लै गया। अले मैं तुम्हें दसना कि भाई ये करीमो जी है उन्होंने जाल चो निकली किस तरह, वरना तो अज चौधरी ने उसके निकाह ही पढ़ा लेना सी। चौधरी ने निकाह पढ़ा लेने से? जवेद पुत्र खैर है, खैर है बड़े आलू का खैर है। कितने आगे हार मिली है?
एक निकी जी कुड़ी ने तेनु जलील कर दिता है, तेरी दौलत ने तेरे मुंह ते थुक दिता है चौधरी, तेरिया जमीना ने कोई वादा नहीं कीता तेरी शानो शौकत च, पिंड वालिया ने फैक्ट्री बढ़ा भी ली, तेरी बीवी तेरे को पुछे बगैर अपने पुत्र नू लेके बाहर चली गई, तेरे उच्चे शुमले दा कोई रोब नहीं रहा, और कौड़ी मुल नहीं रहा है तेरी इज्जत दा, जाए चादरी तू टगे दा होके रह गया है, और टगे दा होके रह गया है तेरा कोई मुल नहीं रहा। नहीं 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 मैं तो गलत नहीं क्या जवे देवा, कदों तक गल्ला कर करके वेला टाल दे रहोगे, माशाल्लाह जवान औलाद हो गई थोड़ी, जे जे थोड़ा कुड़ी वाल ध्यान नहीं जाता तो मुंडे वाल ही ध्यान कर लवो, उन्दे ब्याह की गल टोर लो, तन ते हर वेले ब्याह की गल ही पई रही है, तन क्या ते है कि कोशिश कर रहे हैं, तेरे सामने उस दिन गए थे सा चौधरी कमर बल्ले, चिट्टा जवाब लेके आ गए, तन किने दस होर किने दसना सी, तुहाडी चुप ने गल खोल दिती, ओ हर वेले तैनू ब्याहवां दा की वक्त पिया होया, असि क्यामत तक इत्थे बह नहीं रहना जवे देबा, जेड़े काम साडे जिम्मे ने ओह ते असि मुका लैने कि नहीं मुका लैने आ कि अज ही मुकाने ने, काफी गल्लां कर लईआं वी तुसी ब्याह दे मुतलक, हूँ कोई होर गल करो बेटा, देखे ना की ना लेदा जैन पुत्र, हर काम का एक वेला मुकदर है, ते ओ ते अगे पीछे कुछ नहीं होना, हर काम ने अपने वेले सिर ही होना, ते इस करके बेटा ए लंबी जिद नहीं बननी दी, समझी है कि नहीं? समझ गई हूँ बस। क्या बात? दादा जी, बाहर आके देखो कौन आया जे? उठो ना दादा जी। ओए की गल है पुत्र, मैं उठना। ओए दादा जी उठो छेती करो। ओए अच्छा पुत्र अच्छा, ओहो बेटा साथ ले, उठते नहीं। अब्बा जी तुसी भी चल के देखो ना, माँ जी तुसी भी देखो कौन आया जे? जुत्ती तो पा लैन दे कुड़िए की तू। उठो दादा जी उठो। कौन आ गया है ते काला? आओ वाली ना आ जा। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਾ ਲਈਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ? ਬਸ ਦਾਦਾ ਜੀ ਆ ਹੀ ਗਏ ਆ। ਅੱਪਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਨੂੰ? ਹਾਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਆਣ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਦਾ ਜੀ इजाजत दे देना अंदर आने की, असी तुहानूं सब कुछ दस दिंदे आ साडे नाल की कुछ होया। दादा जी दादा जी कमाल दी ना जी भाई, सियाने आदे ने कि सवेर दा भुलाया शाम नूं काल आ जाए, ते उहनूं भुलण नहीं कहिंदे। आ जाओ बेटा आ जाओ। तेरा दिल किस तरह कराया पिंड सारा कुछ दसा शायद पहले रज के मैं ना लोग वेख तो लेंदे,
चाची जी के गले मिल लेंगे ते दादा जी को प्यार ले लेंगे। पाजी तेरे आने घर च कितनी रौनक आ गई, कितनी बरकत पै गई घर च। चाची जी हुण ते दादा जी अपने मुबारक हत्थां नाल साडे घर दा बूआ खोल। असीं ते हुण इत्थे रहिण आए आ भैण, ओह काली ते अब्बा जी दी छां च बणिया है ना, इधर होया जां उधर। इस गल दी खुशी है पुत्तर कि तुसीं पिंड आ गए हो। देखे ना की ना लेदा साड़ी है कुड़ी ते सारा दिन तुहाडे घर दे बूहे नाल चिमड़ी रही है। बूहे दियां चीतां विचों चुप चाप वेड़े नाल गल्लां करके दिन गुजारदी रही है। दादा जी असीं तुहानूं अपनी शहर की कहानी सुना के परेशान नहीं करना चाहते। हुण ते तुहाडी दुआ नाल पिंड विच नवें सिरे तों हयाती गुजारनी है। ते जिस तरह तुसी कहोगे उसे तरह गुजारनी है। असी अपनी मन मर्जी करके वेख लीए, सारी बरकत किधरे उठ पुट गई सी। बरकत ते साईं दी हुंदी भाभी जी, बरकत ते बजुर्गां दी छां हुंदी है। ते तुसी ते असी ते बेबरकती दी जिंदगी गुजार के यही समझिया पाकमाल कि अपनिया दे नाल रहना ही जिंदगी है। अपनिया तो बगैर बंदा उंची है जिवें किसे जंगल च होवे ते हर वाले लुटन का डर हो। चाची जी असी सारे ही कोई सबक सीखना सी, सो सीख लिया जी। बड़ी चंगी तरह ना भुलन वाला सबक। तुहाडे सारिआं दी गल्लां अपनी जगह ठीक ने, पर मेरे ताया जी कित्थे ने? ओए मेरा पुत्तर कित्थे छड्ड आए हो? हाँ भाई कितने ने पहाड़ शीद हो रही कितने शहर छाड़ आयो। गल है दादा जी कि यह भी एक पछतावा ही है जेड़ा असी शहर अपने नाल लेके आए हैं। समझ नहीं आती की दसीए ते की ना दसीए। अरे की मतलब है तुहाडा? खैर ते है ना जी, बाजार ते खैर ही है पर की है? ओए खैर दे नाल मैनू कोई परेशानी दी गल लगदी है, खुल के गल कर यार। गल सुने ना, ताड़ा इत्थे आना पावरों तो बगैर ना मुकम्मल जे भाई। अब्बा जी ओ जिस दिन दे हथों गए ने उखड़े उखड़े रहे ने, इतनी मामूली जी गल तो झगड़ के घरों निकल गए ते अज तई वापस नहीं आए। असी ते लब लब के थक गए, जन्ने ते सारा शहर की आला दुआला छाऊंगा। तुसी फिक्र ना करो दादा जी, मैं लग के लियावांगा उन्हां नूं। नहीं मैनू ते इंज लगदा है कि तुसी सिर्फ मेरे पुत्तर नूं गाण वास्ते शहर गए सो। संजना को दादा जी मिल जाणगे ओ, असीं ते आप बड़े परेशान हां। मैनू नहीं पता तुसी जानते हो, मैं थे उसकी आवाज सुनने नु तरस के आवा, उसकी शक्ल देखने नु तरस के आवा। तुसी पता नहीं की गला करते हो। भूल ना जाना ओ, भूल ना जाना ओ परदेसी आया है। मुंशी जी। हाँ जी। ये आवाज कहाँ से आई है? ओहो क्या अच्छे इंसान थे असलम खान साहब भी, हर वेले मेरे कन्ना में उन्हें ही आवाज गूंजती रहती है। एवं उस चंद्री चौधरी ने चुक के पिंड माथे बाहर मारे उन्होंने। मुंशी जी तुहाडा असलम खान तुहाडे कोल है। खान साहब, खान साहब, खान साहब, ओहो बड़ी परेशानी जही रही है खान साहब। हर वेले दिल आपनू इस तरह पुकारदा था जिस तरह बकरी नू लेला। मुंशी जी
हूं मैं आ गया, हूं तुम किसी किस्म की फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा जी अच्छा। बैठो मुंशी जी। चौधरी कमर दी सुनाओ, उहदा की हाल है? मुंशी जी शहरों इहो जिहा मसाला लैके आया कि सारी उम्र हुण थाणे च रुलेगा। की मतलब मुंशी जी? खान साहब आप नूं घबराउण की कोई जरूरत नहीं, थाणियां कचहरियां की लोड़ नहीं। असली कचहरी ने इहो जी सजा दित्ती है कि उच्चे शमले समेत गलियां मरुलदा फिर रहा है। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੀ? ਹੋਣਾ ਕਿਆ, ਗਲੀਆਂ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਰੁਲ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਿਕਸਤ ਜਿਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਖੁੰਡ ਮੁੰਡ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਕੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਮੇਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਕੀ ਖਾਈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕੁੜੀ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਕੇ ਘਰ ਮੇਂ ਛੁਪ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਕੀ ਕਿਆ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ, ਜਲਵੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੀ ਆਓ, ਇਕੱਠੇ ਚੱਲੀਏ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਯਹਾਂ ਸੇ ਜਾਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਾਕੂ ਸ਼ਾਹ ਕੁੱਟੀ ਕੇ ਆਣੇ ਕਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਕੇ ਆਣੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਸੇ ਰਵਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਆਪ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਬ ਦਾਬ ਸੇ ਪਾਗਲੋਂ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਕਾ ਬੱਚਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਚੰਗਾ खां साहब मिले तो ठंड पै गई है। हां शाह कोटिया किथे मर गए? मैं जो तक हवेली चलावा तेनू इतने रहना चाहिए, इसलिए कि मेरा शहर जाना बहुत जरूरी है। तेरा शहर जाना बहुत जरूरी है? और की रखे है उत्थे तेरे में? उत्थे जाएगा तो मुंह ते होर कलक मलनी पेगी। खबरदार ओए खबरदार, जे तू हिलिया ते खड़ा थे। आकड़ नहीं गई तेरी है, हालांकि तू हर जगह शिकस्त खाधी, हर जगह तेरे गरूर दा सिर नीमा होया, कामे तेरे बेवफा हो गए, तेरा जर खरीद गुलाम सुल्तान थाने च रुलदा पिया, तेरे खाबां दी राणी करीमो तेरे मुंह ते थुक के चली गई। पर सिर नीवा करा चौधरी, तेरे वर्गे बंदे नूं ते डुब के मर जाना चाहिए, पर नहीं, डुब के मर जाने नाल ते तेरी सजा बड़ी छेती खत्म हो जाएगी। रुलदा रहो, खांदा रहो ठेडे। मैं तैनूं जाण गया, मैं तेन पछाण गया, तू भी मेरा नौकर सा। खलोता रहा थे, ऐसे खलोता रहा वरना मेरे को बुरा कोई नहीं होगा। ये हो जे हुक्म तेरा जर खरीद गुलाम सुल्तान ही मन सकता है। बुला सोनू थाने हो, बुला तेनू हुक्म दे। ओए बदबख्ता, खबरदार जे तू थोड़ी कदम भी हिलिया मैं हुने बुलाना नू। सुल्तान सुल्तान कट्ठे मर गए सुल्तान। सुल्तान क्यों नहीं आंदा? सुल्तान क्यों नहीं आंदा? हुण सुल्तान कभी नहीं आएगा तेरे कोल। हाँ भी गड्डी तैयार? जी सर। जा उन्हें लेके आ, मुजरिम सुल्तान कचहरी लेके चली। किड्डा चलाक बंदा सी, सरकार दे सामने किड्डी छेती बनिया सब कुछ। ओए उन्हें याद ही नहीं, एक ना एक दिन हिसाब का वेला भी आ ही जाता है। जा लेके आओ। ठीक है सर। हुन बड़ी नीवी सुटी है तू, कतल करते हैं, अगवा दी वारदातां पाते हैं, ते मावां दियां गोदां खाली करते हैं, तैनूं कदे ख्याल नहीं सी आया कि इत्थे भी और उत्थे भी एक दिन हिसाब दा वेला आई जांदा है। अपनी चलाकी दा
नशा ही बड़ा सी सरकार, इस पासे कभी ध्यान ही नहीं पिया। हुण नशा उतरिया है कि नहीं? हाली हाली कनी है, मर जाएगी ये कनी भी। अस्सलाम वालेकुम सरकार, तुसी याद फरमाया से। मैं भी काकू चंगा होया तू आ गया। मैं तेरा ते मुंशी नूरदीन का नाम लिख लिया अगवाई च, दोगे ना गवाई? वो ते बहुत वड्डा मुजरिम है, इन्हें क्रीमो की बेवा मां नू कतल करके ते क्रीमो नू हवा किया सी। सच की गवाही कौन नहीं देगा सरकार? अखी तकिया कौन नहीं दसेगा? तुसी एक नाम होर लिख लवो, वो भी बड़ा पक्का गवाह जे। वो कौन? असलम खान, वो सारी खरीदो फरोख्त का जाणू है। बढ़ाओ ना गड्डी। की हाल है चाचा सुल्तान? खबरदार है, मैं चाचा ना कहीं, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। बड़े दावे करता सी कंधा ढाण दे, हुण ये कंध ढा के बहा। की गल है, खलो क्यों गया? जड़ा बंदा कुराए पै जाए फिर इंजी खलो खलो के टुरता। हाली सीधी राह नहीं लभी? लभ तो गई है पर हौली हौली यकीन आएगा। अच्छा वो केड़ी गल सी जेड़ी कार नहीं हो सकती थी? उसे दस शायदा जे कोई अजिहा सज्जन मिल जाए जेड़ा अपने अंदर झाती पान का वल दस देवे ते इक्को ही झाती च पता नहीं किन्ने रंग नजर आ जाते हैं, अपने अंदर दे मैल हसद लालच कमीनगी ते पता नहीं की कुछ। इस सूरत च जां ते बंदा शर्मिंदा होकर वापस टुर जाता है जां बेशरम होकर अगा ही लगना जाता है। जिन्हों एक ही झटके च वापस की राह विखा दी आ किवें माफी मंगे तेरे को? कदे कदे अखां चो हंझुआ की थां ते मोती भी डुलदे ने पर उन्हां मोतियां की कदी कीमत अदा नहीं हुई। जुदाई दे जहर नूं डोलदे शायदा अपने अंदर की उस मुहब्बत नूं जागन दे जिहड़ी हर रोज तैनूं साडे घर दे बंद बूहे अगे लै जांदी सी। मैनूं उस प्यार की गूढ़ी छां च लुका लिया, शायदा मैं बड़ा बदशकला हो गया वा। मैनूं सिर्फ तेरे प्यार की छां ही कोई खरी पछाण दे सकती है। जिहड़े हिजर दे मौसम मेरे तो लंघे ने मैं तैनूं दस नहीं सकती कि मैं उन्हां दे नाल नाल किस तरह टुरी हाँ। उस अजाब च मैनूं सिर्फ दादा जी ने कढ़िया। दादा जी? दादा जी ते मुहब्बत का चश्मा ने। एडा प्यार करने वाला ते जिगरे वाला बंदा सिर्फ पुरानियां कहानियां च मिलता है। असी किन्ने खुशकिस्मत था जिन्हों एहो जिहा दादा मिलिया। चल चल उस प्यार करने वाले दादे दे सदके माफ कर दे। माफ? शायद मैनूं पता है मेरा कसूर नकाबले माफी है पर फिर भी अमजद साहब असी तो सारे कसूर अपने जिम्मे ला ले। इंज ना कह शायदा, शायदा तू अपना वही प्यार भरा ते मिठा हासा हास दे ताजे मेरे दिल दे सारे वहम दूर हो जान। मैं मुड़ के फिर वही अमजद बन जावा, तेरा अमजद। हस दे ना, हस भी शायदा। की ना हसा? मैं नहीं पता। आखिर परत ही आए ना पापी और पिंड। हां बेटा, मच्छी पत्थर चट के आई है। अब्बा जी छोड़ो ना गलां नूं, दफा करो, जो हो गया सो हो गया। हुण ते इस गल दा शुक्र करो कि शुक्र है साल बाद उस घर दा बंद बूहा खुलिया। तुसी देखे ना बेटा की ना लईदा, ए मसाल है एक के सियाणियां दा आखिया ते औले दा खादा
बाद विच ही पता लगता। अब्बा जी जिंदगी दे तजर्बे भी तो इसे तरह ही हासिल होंदे ने ना। अमजद ते कुलसूम ने जिहड़ा तजर्बा हासिल किया वह सारी हयाती उन्हां दी राहबरी करता रहेगा। जिंदगी दे किसी भी मोड़ ते खलो के वह सोचणगे जरूर, फिर अगला कदम पुट्टणगे। कमाल साहिब, कमाल साहिब, तू चल भी अंदर, मैं देखना है। भाई कौन आके आया कमाल नू मिलन? चलो कोई होगा देख लें कौन है। आओ बिस्मिल्लाह, आ जाओ मुंशी जी। सलाम अलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आओ जवानो बैठो बैठो बैठो। कमाल जी ना ये कौन है पुराने? मैं इन्हें पूछा नहीं बेटा। अब्बा जी ए, असलम खान साहब ने ते मुंशी नूरदीन साहब। अला 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 ए खैर ना उही ने जेड़े चौधरी कमली जमीन खरीदते होंगे सी है जी। मैं क्या मैं तो थोड़ा पूछा ही नहीं है, बड़े सूट बूट हो माफी चाहो। बाबा जी शहरों आया ना मैं। अच्छा अस उ बाबा जी जेड़े चौधरी कमर दे करिंदे होंदे सन। अला 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 ए बजी काकू है। अच्छा जी काकू शाह कोटिया जी। अला बेटा अला ठीक तरह होके बह जा बेटा। हाँ उत्ते कर ला लता ते ए दस ते किस तरह आए हो तुसी सारे जेड़े? गल ए जी के एक अर्ज करनी सी जे तुसी कबूल कर लो ते। हाँ दसो बेटा दसो। जी मेरा नाम मुंशी नूरदीन। आप करो बात, मेरा तो एवं मुंह खुल गया था। बुजुर्गो बुरा ना मनाना, मुंशी होरां नूं अपनी जबान ते कंट्रोल नहीं हैगा। अच्छा काकू शाह कोटिया साहब तुसी तमहीद ना बनो, बुजुर्गां नाल गल करो, अल्लाह अल्लाह ते खैर सलाह। जी हाँ असलम खान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, किसी तमहीद की कोई जरूरत नहीं हैगी। असीं सीधे सीधे लोग हाँ तो साडे नाल सीधी सीधी गल करो। अल्लाह ते काका ए की गल करनी सी तू जी? गल ये कि मेरी जी एक भैन है। अच्छा निकी जी बड़ी प्यारी जी। तो फिर? तो फिर क्या, फिर क्या नाम बताया का काके का? मुंशी जी किसी दूसरे ने भी गल कर लिया करो। बाबा जी ये शाह कोटिया अपनी छोटी भैन का रिश्ता तुहाडे पोतरे नाल करन दा ख्वाहिश मंद है। की ना लेगा की खास मंग की? अब्बा जी ये जवेदली रिश्ता लेके आया अपनी भैन का। ए बजुर्गो ये उही रिश्ता है जेड़ा तुसी पागल कमर कलो मंगन गए सो। हला ओए ओ तो मैं की ना लेदा चौधरी कमर दे कोल की ना सी ओदा सुल्तान दी भतीजी करीमू दा रिश्ता लैन गया सी। हाँ जी ये उही काकी है जिसका आपने रिश्ता मंगया था, घबराने की जरूरत नहीं। अच्छा क्या नाम बताया था आपने? ओ मुंशी जी जरा दंदा थले जीभ ले लो। बुजुर्गो एहो जिहा कम्मां च सोचीदा नहीं, बस हुण तुसीं मुंह मिठा कराउण वाली गल करो। लै जी कुमार जी ने तैयार हो जा, चल लिया ओए कुर्दी पहली चुक लिया अंदरों इहदा मुंह मिठा जरूर कराउणा। जा देखी ना जा खुशबू भी निग भी मां जी ए मिट्टी दिया कंधा धुप के पाले इको जिन्ना रोक दिया ने मां। भाई तू भावे उन्हें पिंड नूं पसंद करें ते भावे ना करें तेरा व्याह सा हुण शहर ही करना है। अमजद भाई जान कुछ दिन तो पिंड विच रहन दियो। मां जी मुसन बारे की ख्याल है तुहाडा? उन्हें तो शराद वाले धोने भी धो दिते ने, उन्हें वाकई किसी शरीफ मां का दुध पीता है। मैं तो कहनी हाँ किसी दिन जाके ना शहरों उन नाल लै आ ते अब्बा जी नूं मिला दे। किसी दिन की तू अज ही चला जा ते मुसन नूं नाल लै आ। ठीक है मां जी जिवें तुसीं कहिंदे हो। मां जी दादा जी के नाल अमजद भाईजन के बारे भी तो गल करो ना छेती ना।
भाई उन्होंने तो सिर्फ गल याद ही करानी है, बाकी तो अर्शा तैयार ही है। अमजद भाई जान हूँ शैताबाद जी खैर ना लैस कार भी छेती न लै आओ, लिया तो पैनी है, तेन शहर टोरा तो तेरी थान भी पूरी करनी। एदा मतलब है कि यह जाएगी तेरी थान तो शायद आएगी ना, मां जी इन छेती ना टोरन का बंदोबस्त करो। हूं तो खुश है ना निके वीर, अगले आप ही रिश्ता लेके आ गए ना करीमो का। मैं तो भैना हूने 100 नफल पढ़ांगी पूरे। मां जी तुसी ते नफल पढ़ी लोगे, इनू भी कहो अल्लाह तौबा कर लवे। मां जी ए वड्डी आपा जो कह रही है तुसी समझ रहे हो ना? हाँ समझ रही हूँ, मैं सब समझ रही हूँ, तेनू भी ते तेरी वड्डी आपा नू करनी है। अज मैं तुहाडे अब्बे नाल ते तुहाडे दादे नाल गल कर लैन, तुहाडा दोवां दा बंदोबस्त। मां जी ए वड्डी आपा दा बंदोबस्त लाज़मी, हुण ते अमजद भी इत्थे ही है, मैं ते कहना एक गल मुका ही लो। ऐसा पाजी इहदे दिल दीआं गल्लां जे ए चांदा है फटाफट क्रीमो इस घर च आ जावे। नहीं है ते मैं आप दिलों चाहनी हां, ते तुहाडा की मतलब है? मैं नहीं चाहुंदी इस जाण वाली गल नूं छेती पूरा करो। मां जी मां जी ए वेखो ए जे दे दिल दा हाल। जी एवे ही हाल है। पर क्यों क्यों नहीं जा सकती मासी मैं बाहर? वे छोरी सुन मारी बात, इधर आ इधर आ, ध्यान से मारी बात सुन, यो कोई मखौल नहीं है, ये शादी ब्याह की बात है। फिर क्यों यार, शादी ब्याह वाले कोई बाहर खलोते नहीं, उते होन की अपने घर आई। वे होश की बातें कर, वे तेने कख नहीं पता, ये हो गई है तेरी मंगनी, तो बाहर नहीं निकल सकती। क्यों नहीं निकल सकती, क्यों जी गल कर रही है मासी तू? वाला मंगनी करवा के बंदा कोई कैद हो जाता है। उफो, अब मैं तने कैसे समझाऊं भाई, नहीं निकलती छुकरियां बाहर। बल्ले भाई बल्ले, ये क्या शोर जे हम चाह रही हो आप? रमन सिंह कौन सा शोर? इस वक्त इस जलाली हालत में मैं कुछ अर्ज तो नहीं कर सकता, मैं तो ये पूछ रही हूँ क्या गुफ्तगू हो रही है। रमन सिंह यो हुई ना बात, बड़े दिनों के बाद तने इस लेजे में बात की, दो चार बातें होर कर। बाजी वाह, मैं तो इस काकी के बारे में बात करने आया था, आपने अपना ही मंडवा शुरू कर लिया। तो कर ले काकी के बारे में बात, मैंने तेरी जबान बांध रखी है, हैं? बोल बोल जितना बोलना है बोल। ओ जरा दम तो लो। चाचा मुंशी चाचा मुंशी, चाची मैं बाहर नहीं जान देती। कोई बात नहीं पुत, पूछ लेना मैं हूने। हाँ भाई क्या नाम बताया आपने सलामते बेगम? चल हट। अस्सलाम वालेकुम मुंशी जी। आओ जी वालेकुम सलाम, क्या नाम बताया आपने? मुंशी जी इन्हू तो थले सुटो। नाम काकू शाह कोटिया। वाह जी मुंशी जी, की याद रखी है तुसी ना है? ना जी ना, चीजा तो मेनू सारिया याद होंदिया, एम जरा हिसाब किताब इधर उधर हो जाता है, वो अपना हर चीज दिमाग में नक्श हो जाती है। ये तो मैं पूरी तरह इलम है मुंशी जी। आप सच्चा इलम है अपना। देखो ना जी क्या नाम, ठीक है आपका नाम तो नवा कोटी है। रे रे दिमाग में नुक्कड़ साहब, इसका नाम शाह कोटिया है, क्यों रे छोरे ठीक बोलो ना। ऐ देखो ना गल तुसी बिल्कुल सही किया, मगर इस वक्त अगर इजाजत दो तो मैं एक गल होर करनी है। अच्छा करो करो, खुल खुल के करो। रमन सिंह वो मारे साथ बात करना चाह रहे, तू ऐसे ही बीच बीच में आ रहे। क्यों बेई शाह कोटिया साहब? गल तो देखो दो बार गल पता की, तुसी ए वेखो नहीं ए पहले जरा तपाई परे करो, देखो बल्कि तुसी इस तरह करो कि मेरी जिहड़ी भैण है ना निक्की जिही गुड्डी जिही इहनू विखाओ, ये सारे का सारा समान जिहड़ा ना इहदा दाज ही, देखो ना
जेवर कपड़े सारा कुछ मैं लिया ले लिया है। वाह 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 वाह, जी क्या नाम बताया इस कपड़े का? जावेद भाई, मैं थोड़े तो बहुत ही शर्मिंदा, फिरना तो कभी खुल के गल ही नहीं हुई यार। मैं समझना मेरी किसी खामी की वजह तो यह गल हुई है। नहीं यार, खामी तेरे विच नहीं, मेरे अपने दिमाग विच सी। खाम खां का कॉम्प्लैक्स हो गया सी मैनू, जिहड़ा मैनू अपने तो बहुत दूर लै गया। मैनू माफ कर दे यार। ए की कह रहे हो अमजे साहब, तुसी ते भाई हो मेरे, यकीन करो असी कदी भी तुहानू वख नहीं समझिया। मैं तो तुहानू यह कहना आया सा कि हुण तुसी नौकरी लई शहर वापस ना जाना, असी तुहानू अपनी फैक्टरी विच बहुत ही चंगा अहुदा पेश करांगे। यार मैं तो इस गल च भी बड़ी शर्मिंदगी महसूस करना कि मैं तुहाडे नाल क्यों नहीं रलिया। तुसां ते कमाल कर दित्ती यार, पिंड विच एडी शानदार फैक्टरी खड़ी कर दित्ती जे। अमजे साहब तुसी हैरान हो गए कि असी पिंड दे हर नौजवान नू अपनी फैक्टरी विच कम देण दा फैसला कीता। असी प्लानिंग भी ऐसे हिसाब नाल कीती। यार अमजद मेरे दोस्त बड़े चंगे ने, उन्होंने मेरी हर गल मन्नी। जवेद भाई जान, हुण एक गल खैर नाल साडी भी मन्नो। बोलो मेरी भैण। ओ ए कि शादा बाजी नू ना छेती छेती इस कार विच भेज दियो। आ जाएगी इंशाल्लाह आ जाएगी। बस ताई जी जरा जाके ते दादा जी नाल गल टोर देन तारीख मिथण, सानू केड़ी कोई तैयारी करनी, खुदा दे फजल नाल सब कुछ तैयार है। यार एक गल मेरी भी मान। बोल। शैवां दी पंड बनन दी कोई लोड़ नहीं, चल जहेज दी लानत नू छड़ने आ, पहल करने आ सी किन्ना कपड़ियां कुड़ी टोरो। जवेद भाई जान, अमजद भाई जान बिल्कुल ठीक कहंदे ने। इंशाल्लाह इंज ही होएगा इंशाल्लाह। तुसी कल्ले कल्ले गल्ला करी जा रहे हो, मैनू भी बुला लेना सी। मान जी अज दियां गल्लां ते हुण मुक गईयां जे। हला हुण ताई जी इजाजत है, फिर इंशाल्लाह हाजिर होवांगा। अमजद नू मैं नाल लै चलां फैक्ट्री उतां। ठीक है पुत्तर। लो जी मान जी, फिर तुसी कुलसूम नू नाल लै जाके दादा जी नाल गल कर लैणा। जरूर करांगे गल भाई जान दादा जी दे नाल, ते दिन तारीख खैर नाल रख के ही आवांगे हुण। रब रखा। चल भी चलिए। बाबू जवेद के साथ। हसे जा रही है, वे शर्माना छोड़, ले लड्डू खा। मुंह खोल, मुंह खोल, मैं तेरे मुंह में लड्डू डाल। अच्छा, होर खा ले। अल्लाह दे सदके जावा, एकदम किन्निया बड़िया खुशियां दे दित्तियां। ओए देन ते आवे ना ते फिर इस तरह ही देंदा। तू ते एवें उदास रहनी सी, आखिर परता है ना शहरों, ते ओही भाभी है जिहड़ी ना ना करदी सी, आप टुर के आई है तेरे घर और दिन तरीख मिथ के गई। ऐसे है वैसे जवेद दे बाद दो व्याहां दी खेचल ते बड़ी हो गई है ना। ओए खेचल काहदी, बुध वाले दिन जवेद नू व्याह के लियावांगे ते जुमेरात नू शहदा नू टोर देंगे। अच्छा अल्लाह खैर दा वेला लिया। हाँ बाकी ते सब खैरान है, पर अब्बा जी विचों बड़े उदास ने। उन्हां नू भाई रशीद दी याद ने जकड़िया होया। भाई रशीद होरां ने ते कमाल ही कीती है ना, भला अपने मन कोई इस तरह भी रुस के जांदा। तू भी कम करिया कर, ओए अपने अब्बे ना बुढ़ा हो गया, कम करिया कर नाल नाल। पर हौली हौली। ओ बाबा जाओ जी कमल। बाबा तेन पता असि हूं पिंड नहीं रहना, असि शहर चले जाना है, अपने अपने पुत्र दे कोल, अपने सबर दे कोल। ओ, को सानू बड़ा याद करदा,
ਹੁਣ ਤੁਰਨ ਲੱਗੂ ਹੈ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਕਾਕੋ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੁਲਤਾਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਆਪ ਚਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਫੜਨਾ ਫੜਨਾ वाह मेरे मौला वाह तेरे रंग ने जादे ए कमर साडे पिंड आया सी ते एडी लंबी कार ते बैठ के आया सी ते आज आज किस सवारी ते शहर जा रहे हैं तू जो चाहे सो करे मेरे मौला जेनू चाहे इज्जत दे में जेनू चाहे जिल्लत दे में या मेरे मौला किते मेरे पुत्र रशीद ने भी कार खिंच के लाया मौला मेरा बड़ी मेहरबानी ताड़ी तुसी तशरीफ ले आए नवाजिश 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 साईं जी ताड़े पिंड दे बच्चियां ने कमाल काम किया एक मिसाल कायम कर दिती है मेरी बड़ी तबीयत खुश हुई है मैं ना बच्चियां लई बहुत कुछ करांगा जज्बा सच्चा होवे ते कोई भी काम जेड़ा वो एक मिनट च हो जांदा है मेरे वालों तानू सलाम है चौधरी साहब तुहाडे जो बंदे हौसला देने वाले हुण ते जवानां दे जज्बे त्रिखे हो जांदे ने मेहरबानी मेहरबानी आओ बिस्मिल्लाह करके अंदर चलो ते मशीन दा इफ्तिताह करो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह तशरीफ लियो आओ छोड़ो बेटा पिछड़ जाओ शाबाश शाबाश पिछड़ जाओ लोनी पैनो हुन टोलकी में जाएगी खैर नल नवी वटी आजा करीमो आजा आजा मेरी बैठा सते आजा भाभी आजा लो सोनी आई अपने नबी दे सदके इन्हां जीआं नूं सुख चैन नाल रहना नसीब फरमा आमीन मेरे पाक परवरदिगार अपने हबीब दे सदके इन्हां नूं प्यार मोहब्बत दे सलूक नाल रहना अता फरमा आमीन मेरे मालका इन्हां नूं अपने रस्ते ते चलण दी तौफीक अता फरमाई आमीन सुणे मालका दीन दुनिया आकबदियां बेहतरियां दे नाल अगे तो अगे टुरन दी तौफीक अता फरमाई आमीन या मेरे मालका तू सारे काम सोने कर दिते ने इन्हां दे बख्त नसीब भी सोने करी आमीन
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. चन्न चढ़ाया ना अज शादी के मौके पर मेरे सिर पे पग चढ़ी हुई है. अब्बा जी उठो टोरो खैर नाल अपनी पोती. अच्छा बेटा जी रहो बिस्मिल्लाह. आओ काजी आवाज आ गई. आए आओ देखिए आओ चल बिस्तर आ जाओ. ओ काका ओ भाई सवारे तू पुत्र हैं ये केदा काका है बाऊ राशिद जी. अच्छा अच्छा जी बाऊ भी है ना आप भी बाऊ हैं राशन तो कर दिया नहीं रखा आज का बाऊ तू आप ही हो गया. एक मिनट बेटा भाई बड़ी खुशी है चलिए मैं हैं तू कौन है की ना तेरा उल्टा मैं नहीं पूछ रहे उमर दीन साहब कौन है. हाँ जी मैं जी दसो खाद पड़ो जी. अब्बा जी सलाम अलैकुम. पिंडो जाके तुहाडा रशीद पछतावियां दे हड़ विच डुबदा तरदा रहा है. शर्मिंदगी पारों चेहरा नहीं विखाया पर हुण कई दिनों तो मेरा दिल डुब रहा सी. इसलिए खत लिख के सराहने रख छड़िया. बस एक मेहरबानी करना जे हो सके तो मेरी कबर अपने खेत विच पढ़ाना. तुहाडा पुत्र रशीद. ओए की पा रहे है तू. ओए 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 किथे मेरा भरा किथे नी दस मैनू. आ वे राती ना अटैक हो गया सी ते डॉक्टर ने बहुत कोशिश की थी लेकिन बच नहीं सके. सिर्फ ओदी दात है बाकी से सब बहुत कुछ वेले दी गर्द श्री सी गुम हो जाता है. Thank you.
पूछे ना, इस पिंड तो मेरा भी जी जाग गया, दिल चल गया मेरा। ते फिर टूर क्यों नहीं जाता शहर? गल ये कि मेरे हिस्से की जमीन मैं दे दो ताकि मैं बेच के जाके शहर जाके कारोबार कर लो। अच्छा, ते असल गल जमीन दे हिस्से की है। अब्बा जी, जमीन बेचती? आहो, बेच दी, अपने वड्डियां दी निशानी बेच दी, तेरी आने वाली नस्लों की मलकियत बेच दी, तोड़ दिता उन्होंने रिश्ता है इस जमीन नाल। असल विच ते अल्लाह ही इस जमीन का मालिक है। बंदे के हिस्से ते बस ऐनी कु जमीन ही आती है बेटा। खुदा हाफिज़।